ये रात में जो ओलावृष्टि हुई है, इससे आपको फसल को क्या क्या नुकसान हुआ है? गेहूँ गिर गया और लाई झड़ गई। और क्या क्या हुआ है इसमें? और कहा तुरंत परेशानी हो गई, 50 रुपया चल रहा है, 60 रुपया और ना रहा हूँ। आपके पास कितनी जगह है लगभग? 50। क्या क्या है अपने खेत में लगा रखा है? गन्ना है, गेहूँ है, लाई है। इसमें से कुछ बचा है आपका? अब बचने को सब भूल चलो जाए, सौ बचा ही कोई। मैं आलोक कुमार गंगवार। ये बेमौसम की बरसात हुई है, जो ओले पड़े हैं, इसमें आपकी फसल को क्या क्या नुकसान हुए हैं? लाही में काफ़ी नुकसान हुआ, ये तो प्राकृतिक देन है, ये ओलावृष्टि हुई है। और लाही वगैरह यही आम की फसल को नुकसान हुआ है। कितना लगभग आपको नुकसान हुआ? लगभग नुकसान हो गया लगभग 2-3-4 एकड़ में। क्या अब आपकी कोई सरकार से वगैरह मुआवजे की कोई मांग वगैरह करेंगे? हाँ, सरकार अगर मुआवजा देती है तो ठीक है, नहीं तो देती है तब भी ठीक है। आपने कभी इससे पहले इस तरीके की ओलावृष्टि देखी है? हाँ, एक बार लगभग 12 साल पहले देखी है। कितना ओला गिरा था लगभग? बहुत ओला गिरा था उस समय भी, उससे ज़्यादा गिरा था। आपका अकरम खान। ये जो कल ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है, इससे आपकी फसल को क्या क्या नुकसान हुआ है? फसलों को नुकसान, खेतों में जो पॉपुलर के पेड़ खड़े हैं, लिप्टिस के पेड़ खड़े हैं, बहुत बुरी तरीके से पेड़ गिरे हैं। जो गेहूं तैयार खड़ा हुआ है, गेहूं बुरी तरीके से गिर गया है। गेहूं ओला जिस तरीके से गिरा है, गेहूं को बिल्कुल बिछा दिया है ओलों ने। और अपनी ज़िंदगी में हमने इस तरीके का पहली बार ओला गिरते हुए देखा है। किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारी देश की सरकार, प्रदेश की सरकार भी किसानों की नहीं सुन रही है, और कुछ मालिक की तरफ से भी पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। किसान एक तरीके से टूट सा गया है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लोगों का नुकसान हुआ है इस ओले से। किसान बुरी तरीके से परेशान है इस टाइम। सरकार को चाहिए कि ऐसी कंडीशन में, ऐसे बुरे वक्त में किसान के साथ में सरकार को खड़ा होना चाहिए, और किसान के हित की बात करें और किसानों के लिए सुने, और ऐसे में इन कानूनों को भी थोड़ा सा संज्ञान में लेके इन कानूनों का भी ध्यान रखें, उन कानूनों को निरस्त करें। आपके तरफ से कोई मुआवजे की मांग वगैरह अगर होगी तो क्या की जाएगी? बिल्कुल, फसल का मुआवजा किसान को मिलना चाहिए। किसान को फसल का रेट नहीं मिल पा रहा है, किसान कर्जे में डूबता चला जा रहा है। ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं की वजह से किसान बहुत पिछड़ा हुआ है, और इस वक्त तो आके किसान की तैयार खेती खड़ी हुई है, तैयार खेती घर में आने का वक्त था, और ऐसे मौके पे फसल एक तरीके से नष्ट हो गई है। किसान की कमर बुरी तरीके से टूट गई है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस किसान को उठाने की जिम्मेदारी सरकार की है, और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि सरकार किसानों के बारे में सुने और किसानों की मदद करे और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने की प्रयास करे। ये हमारा सरकार से मांग है और उम्मीद करते हैं सरकार से। मेरा नाम फरीद अंसारी है। ये जो रात में ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है, इससे फसलों को क्या क्या नुकसान हुआ है? जी, ये एक मैं तो इसको प्राकृतिक आपदा कहूँगा। और जिस तरह से ओले गिर रहे थे रात, हमने देखा, हमने रात ही महसूस कर लिया था कि शायद है कि फसलों में कुछ भी नहीं बचा होगा। फसलों के साथ साथ जो चरिंद परिंद, छोटे जानवर जो जंगल में रहते हैं, उनके ऊपर भी बहुत बड़ी आपदा आई है। और फसलें तो सुबह देखने पे महसूस हुआ कि एक तरह से धाराशाही हो गई हैं। और ऐसे हालात में सरकार को
किसानों की मदद बढ़ चढ़ के करना चाहिए, प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। और वैसे भी किसान सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से ले और उनके मसले पे विचार करे और उन्हें राहत पहुंचाने का काम करे। फसलों में खासकर कितने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है? फसलों में ज़्यादातर, हालांकि लाई तो ऑलमोस्ट कट ही चुकी हैं, लेकिन मुख्य तौर पे जो गेहूं की फसल जो कि लगभग तैयारी की ओर बढ़ रही थी, इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है।